नमस्कार साथियों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की बात करेंगे अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की ज्वाइंट मूवी। जी हाँ दोस्तों, अब एक ट्रेलर रिलीज हो गई है बड़े मियाँ छोटे मियाँ की। बहुत सुर्खियों में चल रही थी बड़े मियाँ और छोटे मियाँ की, लेकिन अभी फाइनली रिलीज हो गया है ट्रेलर। और भाई साहब, दमदार मूवी के बारे में मतलब थोड़ी सी अगर ट्रेलर देखोगे तो आपके गूज़बम्प्स खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ इसी तरह से आज ट्रेलर के विषय में बात करेंगे कि क्या उस मूवी में क्या होने वाला है और क्या कमाई कर सकते हैं, बजट कितनी है। दोस्तों बात करें टाइगर श्रॉफ के भाई साहब, तो टाइगर श्रॉफ हम लोगों ने देखा है, पर कुछ कुछ ऐसे लोग हैं टाइगर श्रॉफ के जो हेटर्स बात बोल सकते हो यार। और कोई कहता है कि इनको डायलॉग नहीं आता है, चलो माना यार, लेकिन इनको सिर्फ किक आती है, वो एक्शन आती है जो ये अच्छे तरीके से निभाते हैं। तो दोनों खिलाड़ी जो स्टंट करने में बहुत ही आगे है, अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ। टाइगर श्रॉफ तो भाई साहब स्टंट करने में उनके तो बचपन से ही वो एक्टर है, लेकिन अक्षय कुमार बहुत दिनों से एक्टिंग के मामले मतलब एक्शन के मामले बहुत ही पीछे चल रहे थे। लेकिन अब ये जो बड़े में छोटे में मूवी आने वाली है, ये बहुत ही खतरनाक एक्शन होने वाली है। एक ट्रेलर में अगर दिखाया गया है भाई साहब एक मतलब साईफाई मूवी के बारे में भी, मतलब समझो साईफाई से रिलेटेड होने वाली है, क्योंकि उसमें एक रोबोट दिखाया गया है जिसमें एक ह्यूमन को कुछ वायर पाइप वगैरह लगे हुए हैं। और एक्शन की बात कीजिए भाई साहब, तो यहाँ पे देखिए कुछ बम मतलब एक हेलीकॉप्टर आता है, हेलीकॉप्टर अटैक करता है गाड़ियों के ऊपर, मिलिट्री गाड़ी के ऊपर। उसके बाद में फिर और यहाँ पर विलेन का जो है ना सबसे बोलता प्रलय 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 आने वाली है। अब देखना होगा कि प्रलय आखिर होता किस चीज़ का है। तो यहाँ पर अगर आई गेस मैं करूँ तो यहाँ पर मूवी जो है ना साई फाई से रिलेटेड है, और कुछ ह्यूमन को मतलब रोबोटिक बनाने का सिस्टम चल रहा है। देखना होगा कि मूवी में क्या आती है। लेकिन ट्रेलर की बात करें, ट्रेलर में दोनों का एक्शन दमदार है और दोनों फौजी से रिलेटेड है और फौजी में दोनों काम करते हैं। और देखना होगा भाई साहब, थोड़ा सा मिसलीडिंग किया गया है, क्योंकि आपने इस ट्रेलर में अगर जब वो फौजी में रहता है उसकी कभी दाढ़ी नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पर टाइगर श्रॉफ आप देखोगे दाढ़ी छोटी छोटी दाढ़ियाँ हैं। तो यहाँ पर कुछ गलती है, गलती किया गया है ट्रेलर को भी दिखाने में। और बात कीजिए एक्शन के मामले, तो एक्शन दोनों देखना होगा कि जिस तरह से अक्षय कुमार स्टंट करते हुए हैं, मतलब एक मोटरसाइकिल से आया और फिर कंटेनर के ऊपर से हेलीकॉप्टर के ऊपर छलांग लगाया। तो देखना होगा क्या ये सिर्फ ट्रेलर का जो लास्ट वाला मतलब मूवी जो लास्ट क्लाइमेक्स है वो सिर्फ दिखाया गया, फिर शुरू से अंत तक मूवी में एक्शन भरा रहेगा। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला। बजट की बात की जाए तो ये लगभग 250 करोड़ की मूवी की बजट होने वाली है। और सिनेमा घरों में ईद के दिन आने वाली है, और ईद के दिन भाई साहब सलमान खान की मूवी आती थी, लेकिन देखना होगा सलमान खान की कोई मूवी तो नहीं आ रहा। अगर ये मूवी आएगी तो बहुत बड़ा मतलब टकराव होगा दोनों में, लेकिन देखना होगा भाई साहब। दोनों अक्षय कुमार सलमान खान अच्छे खासे दोस्त हैं, तो हो सकता है सलमान खान की और शाहरुख खान की मूवी कोई ऐसे ईद के दिन में नहीं आए, क्योंकि ज़्यादातर ईद के दिन सलमान खान की मूवी रिलीज होती है। बड़े मियाँ छोटे मियाँ दोनों में मतलब भाई साहब मतलब कुछ अलग ही मैटर मतलब इस मूवी में दिखाया गया है, और हो सकता है देशभक्ति मूवी भी बन सके। क्योंकि देशभक्ति इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अक्षय कुमार बोलते हैं भाई मैं हिंदुस्तान हूँ, हम हिंदुस्तान हैं। तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे को गन लेकर के निकले हुए हैं और फौजी के मतलब अपने एनिमी के ऊपर हमला कर रहे हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा ये मूवी, और इसकी स्टोरी क्या होगी। और विलेन की बात करें तो विलेन के रूप में अभी तक पृथ्वीराज कुमारन जी हैं। जी हाँ दोस्तों, वो आपने सलार मूवी में देखा है राजकुमारन की वो एक्टिंग क्या थी। और यहाँ पे अभी तक मतलब विलेन की जो है फेस अभी तक रिवील नहीं किया गया कि फेस कैसा दिख रहा है, बस उसके अंदर मास्क दिख रहा है और वही परलय लाने की बात कर रहा है। तो देखना होगा कि ये जो विलेन जो है कुछ कुछ ऐसे मूवी में है। अभी अब जितना भी ट्रेंड चल रहा है ट्रेलर की, तो सबसे पहले मूवी जो है मूवी में मतलब विलेन की रोल नहीं दिखाया जाता था, फेस नहीं दिखाया जाता। अभी इसी तरह से ट्रेंड चल रहा है, तो देखना होगा कि विलेन का जो पृथ्वीराज कुमार विलेन के रोल में आए हैं तो ये इनकी फेस कब दिखाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट है ट्रेलर का बड़े मियाँ छोटे मियाँ की मूवी का, देखना होगा फिर अगला ट्रेलर कब आता है। तो दोस्तों ये आपको ट्रेलर की जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।